रायगढ़ और जशपुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र से लगे जंगल में 3 सदस्यों का शव मिला है, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। ट्रिपल मर्डर की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एसपी अभिषेक मीणा ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। घटना के संबंध में एसपी लखन पटले ने बताया है कि पुलिस की प्राथमिक जांच में मृतक रिश्ते में माँ बेटे और नातिन होने की जानकारी सामने आई है। तीनों पिछले 1 महीने से जंगल में ही रह रहे थे। मृतकों के सिर और चेहरा पत्थर से कुचलकर हत्या की गई। फिलहाल पुलिस मामले की घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर तफ्तीश कर रही है। रायगढ़ के कापू थाने अंतर्गत एक धवई डांड करके गांव है, वहां के रहने वाली एक धुनी बाई करके और उसका बेटा और उसकी नतनी, ये लोग अपने गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर कुछ दिन से, 2-3 दिन हुए थे, बताया जा रहा है कि वो महुआ बीनने के लिए उस तरफ गए हुए थे और एक झोपड़ी नुमा एक जगह बनाए थे जहाँ पर वो लोग रह रहे थे और रात को भी वहाँ रुके हुए थे। आज सुबह कोटवार के माध्यम से सूचना मिली कि उन लोग की वहाँ बॉडी है, शायद उनका मर्डर हो चुका है। तो इस प्रकार से सूचना पर थाने की टीम वहाँ पहुँची है, SDOP और वरिष्ठ अधिकारी वहाँ पहुँच रहे हैं और इसमें जांच की जा रही है कि इस प्रकार से घटना घटित हुई है। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि किसी पत्थर या किसी अन्य चीज़ों से चोट पहुँचाई गई है जिससे मृत्यु हुई है। इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।